कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण आपके शहर में कब कैसा नजर आएगा, सूतक काल जाने। कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण आपके शहर में कब कैसा आएगा नजर, सूतक काल जाने। कार्तिक पूर्णिमा 2022 के दिन ही 8 नवंबर को इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लग रहा है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगने जा रहे चंद्र ग्रहण के कारण देव दिवाली 7 नवंबर 2022 को मनाई जा रही है। बता दें कि इस ग्रहण के कारण इस बार हर वर्ष की तरह कार्तिक पूर्णिमा के दिन नहीं बल्कि एक दिन पहले ही देव दिवाली मनाई जा रही है। जाने सूतक काल, चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करें और क्या नहीं। चंद्र ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले लग जाता है सूतक। 8 नवंबर को लगने जा रहे चंद्र ग्रहण का सूतक ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले से शुरू हो जाएगा। यह चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा, शाम 6:20 तक रहेगा। देश के कई हिस्सों में चंद्र ग्रहण आंशिक और कई हिस्सों में पूर्ण दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण सूतक का समय, 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण का सूतक सुबह करीब 8:20 से शुरू हो जाएगा और शाम 6:20 तक चंद्र ग्रहण की समाप्ति तक रहेगा। चंद्र ग्रहण मेष राशि में लगने जा रही है। भारत के विभिन्न शहरों में चंद्र ग्रहण शाम 5:30 करीब दिखाई देगा। अलग अलग हिस्सों में ग्रहण दिखाई देने का समय भी अलग है। भारत के प्रमुख शहरों में चंद्र ग्रहण शुरू होने और समाप्त का समय कोलकाता में चंद्रमा पूर्वी क्षितिज से लगभग 4:52 तक उदय होना शुरू हो जाएगा और 4:54 घंटे तक पूरी तरह से दिखाई देगा। देश के पूर्वी हिस्से में कोहिमा, अगरतला, गुवाहाटी जैसे शहर अपनी स्थिति के कारण कोलकाता से पहले पूर्ण ग्रहण देखेंगे। केवल कोहिमा में अपने अधिकतम चरण में ग्रहण लगभग 4:29 पर देखा जा सकता है, जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया के सबसे अंधेरे हिस्से को पार कर जाएगा। नई दिल्ली में चंद्रोदय से लगभग 5:31 पर आंशिक चंद्र ग्रहण का अनुभव होगा, जिसमें चंद्रमा का 66% अस्पष्टता होगी क्योंकि ग्रहण का कुल चरण 5:11 तक समाप्त हो जाएगा। बेंगलुरु में चंद्रमा पूरी तरह से 5:57 तक उदय होगा, जिसमें 23% डिस्क पृथ्वी की छाया से ढकी होगी, जबकि मुंबई से लगभग 6:03 से केवल 14% अस्पष्टता के साथ दिखेगा। नागपुर में चंद्रमा लगभग 5:32 में 60% डिस्क के साथ लगभग 5:34 में उदय होगा, जब पूर्ण चंद्रमा क्षितिज से ऊपर होगा ताकि ग्रहण को प्रभावी ढंग से देखा जा सके। जबकि श्रीनगर में ग्रहण किया हुआ चंद्रमा लगभग 66% की अस्पष्टता के साथ 5:31 क्षितिज से ऊपर उठेगा। चंद्र ग्रहण के दौरान ना करें ये काम। ज्योतिष के अनुसार चंद्र ग्रहण के दौरान पूजा ना करें। ग्रहण के समय मंदिर के कपाट को बंद रखें। घर में रखे हुए खाने पीने की चीजें में तुलसी के पत्ते या कुछ डाल दें। खाने पीने की चीजों में तुलसी के पत्ते डाल देने से भोजन पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता है। ग्रहण के समय भोजन ना करें, बच्चे, बीमार, बुजुर्गों के लिए लागू नहीं। गर्भवती महिलाएं ग्रहण के दौरान बाहर ना निकले। ग्रहण में सोने से परहेज करें। भगवान का नाम जपें। ग्रहण समाप्ति के बाद पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। ऐसे लगता है चंद्र ग्रहण, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती। इस घटना को चंद्र ग्रहण कहते हैं। वैदिक ज्योतिष में चंद्र ग्रहण का विशेष महत्व है।